सफेद नगरी में शांतिपूर्वक मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई, तय समय पर हुई नमाज। सफेद नगरी थाना क्षेत्र में त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाला ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। सुबह के वक्त ईदगाह व मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान मुल्क व कौम की तरक्की की दुआ की गई। मस्जिदों तथा ईदगाह में भारी संख्या में नमाजियों की भीड़ दिखाई दी। महल वाली शिया मस्जिद में शिया समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसे मौलाना समर अब्बास सिरसी ने अदा करवाया। बता दें कि गुरुवार को ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके चलते मुस्लिम लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह तैयार होकर ईदगाह एवं मस्जिदों की ओर रुख किया। निर्धारित समय पर सुबह 7 बजे नमाज पढ़ी गई। नगर की जामा मस्जिद तथा ईदगाह पर संभल से तशरीफ लाए मौलाना इफ्तिखार हुसैन ने नमाज पढ़ाई व मदीना मस्जिद में कारी आस मोहम्मद ने नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान देश में अमन शांति की दुआ की गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शहर इमाम ने अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी के दौरान दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखे, खुले में कुर्बानी ना करें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें। सैयद नगरी में अदा की गई मोमिन ने काफ़ी तादाद में कागजात में शिरकत की और बाद नमाज बगलगीर हुए। माशाल्लाह एक दूसरे मुबारकबाद दी। खुदाबंद आलम तमाम मुसलमानों को हर अर्जी समय हासिल है खुश फरमाए। और सबसे बड़ा रिश्ता जो इंसान का वो इंसानियत है। इंसानियत है तो सब कुछ है। हमारी ईद अदा हो या ईद फित्र हो, ये इंसानियत का त्यौहार है और इंसान को इंसानियत में बाकी होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत बाकी है तो हम बाकी हैं। इंसानियत नहीं है, हम जिंदा तो हैं लेकिन एक दूसरे जानवर की तरह हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज है हम एक दूसरे का एहतराम करें। और एहतराम कम सभी है, जैसे सरकार ने फरमाया अकरम ज़ैफ और नकाम खरा, मेहमान का एहतराम करो चाहे काफी न हो। इस्लाम नाम है अखलाक का, इस्लाम नाम है किरदार का। हम लोग ये कहते हैं इस्लाम तलवार से बचा, तीर से बचा। इस्लाम तलवार का नाम नहीं है बल्कि किरदार का नाम था, और ऐसा किरदार पेश कर दिया कि ता जब तक दुनिया जिंदा रहेगी रसूल की नमाज से का किरदार जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया जिंदा रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि हुसैन नाम था इंसान का। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मोहम्मद रफ़ीक और मेरे RR प्लाईवुड के स्टाफ और जितने भी RR प्लाईवुड के ज़िम्मेदारान ही, इन सब के तरफ से अहले इस्लाम को ईद की से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे हिंदू भाइयों को और सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, इनको भी से ढेर सारी शुभकामनाएं और ईद की बधाई पेश करता हूं, जो हमारे साथ मिलकर ईद मनाएं तो हमें भी बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। ईद सिर्फ हमारी नहीं होती है, ये हमारा हिंदुस्तान है। जो हमारे हिंदुस्तान में ईद आई, दिवाली आई, सब मिलकर मनाते हैं। बस यही खुशी होना चाहिए, यही अमन का पैगाम है कि हम सब मिलकर रहें और खुशियों का एहसास दें और खुशियाँ मनाते रहें। और ईद उल अज़हा की कुर्बानी सिर्फ जानवर ला के जानवर कुर्बान करना ये नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो हम कमाते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे तरफ से हम जो गरीबों को देते हैं वो भी एक अल्लाह की नज़र में कुर्बानी है। जो हमारे बीमार को जाके हम जो तीमारदारी करते हैं वो भी अल्लाह की नज़र में हमारा वक्त निकाल के जाते हैं और वो भी अल्लाह की नज़र में कुर्बानी है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना वक्त कुर्बान करते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अहले अहबाब को और जो भी हमारे रिलेशंस है सब के लिए, ये भी एक बड़ी कुर्बानी की बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारा हर मुसलमान भाई अपना वक्त कीमती देकर गरीबों की मदद करें ताकि हमारा इस्लाम आगे उठे और साथ साथ गरीबों की नहीं सब पूरे इंसानों की मदद करें और ये कुर्बान करें कि अपना पैसा, वक्त जो भी है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ईमान पाकी सफाई का ईमान है, आधा ईमान हमारे पाकी है, आधा ईमान हमारी सफाई है। तो जो हम कुर्बानी कर रहे हैं उसका जो ख्याल रखें कि जो भी अपना कचरा है, जो भी गलीजागी है वो एक बैग में पैक करके कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है उसमें डालने की कोशिश करें, क्योंकि पाकी सफाई आधा ईमान होता है। और हर आदमी हर अपना एक एक काम करेंगे, मुझे भी वो उसका ये इल्म होना चाहिए कि रोड पर ना हो और कोई गैर देखे तो वो ये ना बोले कि है ना देखो कितनी गंदगी कर होती है बकरीद में, ये हमारे इसके ख़िलाफ़ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में है ना आप लोग खुद ख्याल रखें और खुद ख़ास कल ख्याल रखें पाकी सफाई का, रोडों में ना आए, रोडों में खून ना जाए, रोडों में गलीजी ना जाए, सब उसके बारे में बंदोबस्त करके कुर्बानी करें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। जय हिंद, जय कर्नाटक।